सब्सक्राइब कीजिए रीजनिंग के फंडे को और इस घंटी को भी दबा दीजिए, यह बिल्कुल फ्री है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग के फंडे में। दोस्तों, जैसा कि सभी लोगों को यह डाउट था कि SBI क्लर्क की वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है, तो जी हाँ दोस्तों, SBI क्लर्क की वैकेंसी आ चुकी हैं, तो बहुत ही बढ़िया चांस है। इसमें लगभग 7,000 से ऊपर वैकेंसी हैं, तो चलिए देखते हैं इसका नोटिफिकेशन क्या क्या दे रखा है नोटिफिकेशन में। तो जैसा कि नोटिफिकेशन में दे रखा है कि इसके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हैं वह हैं 20 जनवरी 2018 से, यानी 20 जनवरी से इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। तो जिन जिन लोगों को यह फॉर्म भरना है वह अपना फॉर्म 20 जनवरी से भर सकते हैं, और इसकी जो लास्ट डेट है वह है 10 फरवरी 2018। तो देखिए, स्टेट वाइज वैकेंसी दे रखी हैं, किस स्टेट में कितनी वैकेंसी हैं, तो आप इन्हें देख लीजिएगा नोटिफिकेशन डाउनलोड करके। और जिस स्टेट से आप फॉर्म भरेंगे, आपको उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज बोलनी, पढ़नी और अच्छे से लिखनी आनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप UP से भर रहे हैं, तो आपको हिंदी को बोलना, पढ़ना और लिखना अच्छी तरीके से आना चाहिए, तभी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो देखिए, इसमें जो फ्रेश वैकेंसी हैं वह हैं 7,200, यानी कि 7200 वैकेंसी इस बार फ्रेश वैकेंसी SBI क्लर्क में निकली हैं। अब देखते हैं कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। तो देखिए, इसमें जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वह आप ग्रेजुएशन पास होना ज़रूरी है, यानी 1 जनवरी 2018 को आपका ग्रेजुएशन कम्प्लीट होना चाहिए। उसका देखिए एज लिमिट क्या है, इसमें जो एज लिमिट है भाई 1 जनवरी 2018 को 20 साल से 28 साल, यानी आप 1 जनवरी 2018 को 20 साल से कम नहीं होने चाहिए और 1 जनवरी 2018 को 28 साल से अधिक नहीं होने चाहिए। अब देखते हैं इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है भाई क्या है। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है भाई, प्री और मेन एग्ज़ाम होगा। सबसे पहले इसमें प्री एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसके बाद प्री एग्ज़ाम में क्वालिफाई होने के बाद आपका मेन एग्ज़ाम होगा। तो प्री एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वह है 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, जिसमें 30 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश लैंग्वेज के, जिसके लिए आपको 20 मिनट दिए जाएंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए भी आपको 20 मिनट दिए जाएंगे, और रीजनिंग एबिलिटी उसके भी 35 क्वेश्चन आएंगे और आपको 20 मिनट दिए जाएंगे। यानी कि प्रत्येक सेक्शन के लिए अलग अलग टाइम ड्यूरेशन दिया गया है, और जो टोटल टाइम है वह है 1 घंटे का। अब देखते हैं कि मेन एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। तो मेन एग्ज़ाम का जो पैटर्न है भाई, देखिए जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसके लिए आपको 35 मिनट दिए जाएंगे। उसके बाद जनरल इंग्लिश यानी कि 40 क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए आपको 35 मिनट दिए जाएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसके लिए 50 क्वेश्चन आएंगे, 45 मिनट मिलेंगे। और रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन 45 मिनट में करने होंगे, और इसके लिए टोटल क्वेश्चन आएंगे भाई होंगे 190, और उसके लिए 200 नंबर रखे गए हैं, और इसका जो टोटल टाइम है भाई 2 घंटे 40 मिनट। तो यह हो गया मेन एग्ज़ाम का पैटर्न। और इसका जो प्री एग्ज़ाम होगा भाई मार्च या अप्रैल में होगा, जिसकी डेट नहीं दे रखी है, लेकिन मेन एग्ज़ाम की डेट 12 मई 2018 को है। तो प्री एग्ज़ाम इसका मार्च या अप्रैल में होगा। तो 20 जनवरी को ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, तो मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि इस फॉर्म को कैसे भरें। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल रीजनिंग के फंडे को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों।